अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डी जी मेंटोर पी के। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज में अप्लाई करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आपने तमाम की तमाम तर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। इस पेज पे आपने कैसे आना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उधर से क्लिक करके ईजिली इस पेज पर आ सकते हैं, क्योंकि लॉगिन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं चलता किस पेज पे जाना है और कैसे लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने इस पेज पे क्लिक करना है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो इस तरह का होगा। ठीक है, जिसमें आपने अपना मास्टर डाटा देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर वगैरह, हर चीज़ देनी है। आपका फ़र्स्ट नेम क्या है आपने वो फिल करना है, लास्ट नेम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है आपने, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देनी है आपने अपना। ठीक है, मेडन नेम ऑप्शनल है, लिखें तो भी है, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है, प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है आपने, इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद डिग्री, प्रोग्राम, डाटा, इसका मतलब यह है कि इससे पहले आप कभी भी ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हैं या नहीं, अगर हैं तो येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने कन्फर्म डाटा पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म डाटा पे क्लिक किया, उसके बाद आपने फिर सबमिट डाटा पे क्लिक करना है। वो कह रहे हैं कि मुझे एक ईमेल रिसीव होगी जिसके थ्रू आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने ईमेल ओपन करता हूँ। ठीक है, ये एक्टिवेशन आपके पास एक लिंक आया होगा अपनी ईमेल पे, इस पर आपने क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे, आपके पास यूज़र नेम और एक अपना पासवर्ड सेट करके उस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो कि किया हुआ है, ठीक है, एक्टिवेट, तो इसलिए मैं इसको अब डायरेक्ट लॉगिन पे जाऊंगा। ठीक है, लॉगिन मेरा हो गया है। ये जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी मैंने इस पर एक फिल की हुई है। एक न्यू एप्लीकेशन मैं आपके सामने फ़िल करूँगा, वो आपने कैसे फ़िल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने डायरेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। डिग्री प्रोग्राम इधर से सिलेक्ट करना है आपने। जो भी आपका प्रोग्राम है आप वो सिलेक्ट कर लें इधर से। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी इस पर क्लिक किया हुआ है, तो उसके अलावा मुझे कोई और करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे कोई भी और कर लेता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, आपने इधर अपना पर्सनल डाटा, सिक्योरिटी नंबर की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, नेशनलिटी पाकिस्तान या, ठीक है, ओके है। आपने अपनी ये सारी चीज़ें फिल करनी है, मैंने ऑलरेडी की हुई है इसलिए मुझे नहीं आ रहा। कंटिन्यू पे क्लिक किया, या फिर आपने ये वाली सारी चीज़ें ये अपनी फ़िल करनी है। ठीक है, एड्रेस वगैरह, उसके बाद आपने तमाम की तमाम एजुकेशन आपने इधर से अपनी ऐड करनी है जो कि मैंने की हुई है। इधर से आपने, अगर आप पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से, तो आपने 31 नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये लिखा भी हुआ है, आपको समझ ना आए मे भी। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर वगैरह अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद ये तमाम इन्फॉर्मेशन है, जिसमें पासपोर्ट है, आईडी है, उसके बाद अपनी आपकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स हैं। आपके पास दो फॉर्म भी आएंगे कुछ इस तरह के, वो कहेंगे इसको फिल करके अपलोड करें, इन्हीं में ही। ठीक है, ये और एक ये, एक में आपने क्या करना है, अपना नाम वगैरह लिख के, सारा कुछ लिख के, ठीक है, अपना डेट वगैरह लिख के और साइन करके सेंड कर अपलोड करना है। दूसरा एक ये है, जिसमें आपने दोबारा नाम वगैरह लिख के अपने अपने तमाम सब्जेक्ट्स इधर लिखने हैं, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कोर्स टाइप किया है, क्रेडिट और कितने हैं वो लिख के अपने इधर से, सेम इधर भी डेट वगैरह जो भी इधर लिखा, लिख के आपने ये डेट इधर लिख के स्टूडेंट सिग्नेचर करके अपलोड कर देना है। ठीक है,
उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ठीक है, इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।